वेलकम फ्रेंड्स, आज फिर हम एक बार ग्रैंड ओपनिंग में आए हैं और आप लोग के जाने माने चेहरे मेहुल मिस्त्री, जिन्होंने कई होटलों की ओपनिंग करवाई है, कई जगह चला है और आज वो फिर यहाँ पर हैं। मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा, वो बताएंगे इस वेन्यू के बारे में, इसके इनके मालिकों के बारे में। मेहुल जी, आप प्लीज़ आइए यहाँ। आप इस वेन्यू के बारे में बताइए और इनके जो मालिकान लोग हैं उनके बारे में भी इंट्रोड्यूस करेंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मुजा हॉस्पिटैलिटी के ओनर्स को, खालिद भाई एंड शादाब भाई। खालिद भाई, शादाब भाई, ये हॉस्पिटैलिटी में बेंचमार्क ये दोनों भाइयों ने छोड़ा हुआ है, तो खालिद भाई और शादाब भाई। हाय एवरीबॉडी, हेलो। खालिद भाई, यस सर, सबसे पहले आप ऐसा नहीं, हम लोग ने मौजा हॉस्पिटल चालू किया 4 साल हो गया। पहले अपना था कासा रूम्स का कंपनी, अभी 4 साल से हम लोग मौजा करके ब्रांड बनाया है। तो क्या है, वाइब बनाने का एक अलग यह है, 1 साल से हम लोग कासाब्लांका करके लॉन्च शुरू किया था। उसके बाद अपने समय में इधर का कपड़ों को एक नाइट क्लब नहीं है बोरीवली पे, और बोरीवली में कहीं भी नाइट क्लब नहीं था। अपना 8 महीने से हम लोग उसका रिसर्च कर रहा था, भाई ने उसके बारे में बहुत डीपली रिसर्च किया। उसके बाद फिर हमने प्लान आउट कर दिया पौरे का पूरा एक नाइट क्लब चालू करें बॉम्बे पे, बोरीवली साइड पे, वो भी प्योर वेज, जो अपने 100% कस्टमर है, वेज कस्टमर है। तो फिर उसी पे ये कर दिया हमने टच वुड, अभी देखते हैं बरो, अभी रिसर्च का जो ये देखा अपने पास ऑलमोस्ट 1500 क्लाइंटल लिस्ट का भी मेहुल ने भी ये कर दिया है, तो मार्केट थ्रू लेट्स सी होप द बेस्ट। और उसके बाद हम लोग यही कॉन्सेप्ट अभी दुबई में लॉन्च करने वाले 1 महीने के बाद, डीनापोली, राइट, डीनापोली नाम पे हम लोग अभी हम लोग दुबई में लॉन्च करने वाले हैं। इंदौर में नेक्स्ट मंथ 15th को इंदौर में शुरू कर रहे हैं, वो भी काइंड ऑफ द 4-स्टार प्रॉपर्टी। यस सर, एनीथिंग हाँ, मौजा के खासियत यह, जब लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन में कोई भी होटल कुल की बिजनेस नहीं कर रहा था, तब मौजा ने कर दिया था। जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी स्टेक को हो गया था जब कोविड पेशेंट को, तो मौजा ने पूरा का पूरा 64 करोड़ का बिजनेस किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, जितना भी कोविड का पेशेंट था जो मर गया, वंदे मातरम स्कीम पूरा 100 सेंट्रल गवर्नमेंट से लगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मौजा का अंडर में था। तो हमने उधर से फिर अपना जर्नी थोड़ा इस पर फास्ट कर दिया था। सी प्लान आउट ये यंगस्टर लोग का ये है, और मेहुल सर और राजीव, इट्स वेरी हार्ड वर्क उन लोग का जो ये है, बाकी बैकएंड में पूरे का पूरा शादाब का ये है, सिंपल, लेट्स सी होप द बेस्ट। यूथ और यंगस्टर के लिए हमने प्लान सिंपल, पहले ओशिवरा लोकंडवाला नाइट क्लब, मतलब हमको वही जोन मिलता था, बांद्रा परेल टाउन, अभी सबब में कोई ऐसा नाइट क्लब नहीं है हार्ड कोर जहाँ पे बच्चे लोग, यूथ, यंगस्टर नाइट लाइफ एंजॉय कर सके। तो आइडिया बिहाइंड वाइप यही है कि यूथ को एक अलग वाइप मिले, और वही आप लाइट्स पे देखेंगे, वही आप फूड पे देखेंगे, वही आपको सब स्टेट ऑफ आर्ट साउंड मिलेगा। अभी हम लोग जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है, सिस्टम से लेके लाइट से लेकर सब वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी हमने यूज़ कर दी है इसके अंदर, जो भी बात रेड करने के लिए। ना उसके लिए हम लोग ने मोबाइल एप्लीकेशन, मौजा का मोबाइल एप्लीकेशन आज लॉन्च करने वाला था, कुछ टेक्निकल एरर हो गया, अभी हम लोग मौजा को ई-कॉमर्स पे लेके जा रहे हैं, मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहे हैं। जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आएगा, और आपको ये मुजा हॉस्पिटैलिटी में आपको 36 रूम्स मिलेंगी 5-स्टार प्रॉपर्टी की, आपको 3 बैंक्वेट है, 4 रेस्टोरेंट है, 1 रूफटॉप कैफे है, पूरा एक ही जोन के अंदर, एक ही कप ऑफ टी के अंदर आपको एक ही अंडर 1 रूफ सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। तो टूरिस्ट आएगा उसको स्टे से लेके एंजॉयमेंट से लेके सब कुछ उसको एक ही पॉइंट ऑफ व्यू कॉन्टैक्ट मिलेगा। ये मंथ ऑफ एंड या नेक्स्ट मंथ 15 से पहले लॉन्च करूंगा, मुंबई के अंदर 1000 रूममेट्स रहेगा, वे टारगेट होगा मुंबई में 1000 रूममेट्स मुंबई में रहेगा, इंदौर एंड जोधपुर, कौन सा था दूसरा, जोधपुर ये सब एरिया पे हम लोग टोटल मिला कि हम लोग का 2500 रूममेट्स का हम लोग का एवरीथिंग एग्रीमेंट एवरीज रेडी, बट आज को टेक्निकल एरर हो या पेमेंट गेट वे को लेके अदरवाइज आज ही हम लोग का प्लान था लॉन्च करने का। इट सेम लाइक मेक माय ट्रिप गोवा भी वो अगोड़ा सेम लाइक सेम लाइक इट्स अ बुक या ई कॉमर्स प्योरली ई कॉमर्स एज अ स्टार्टअप ई कॉमर्स पे कर रहा है।
सिर्फ उस पर जो भी बुकिंग करे, अभी देखो आप मेक मिनट में बुकिंग करो उसका कमीशन लग जाएगा, 20% कमीशन लग जाएगा आपसे। अभी मोजा का ऐप में लॉन्च बुकिंग करेगा, आपको कोई एडिशनल कमीशन नहीं रहेगा, डायरेक्ट कंज्यूमर एंड ऑटो लोन डायरेक्ट हो जाएगा। प्योर अपडेट, प्योर वेजेस सर। टेस्ट को लेकर वेज फूड को लेके भाई ने पीएचडी लिया हुआ है। हम लोग एक्चुअली एफएमबी सेक्शन में बाई की बोरीवली में नंबर वन है टेस्ट में और बॉम्बे में नंबर थ्री है एज पर मिड डे का। इस पे मिड डे में आर्टिकल भी आया था अपने बारे में, मिड डे में आर्टिकल आया था उसके पे। अभी बोट रखा गया या फ्लेमिंग हो अभी लॉन्च कर रहे हैं 15 तारीख को, ये मतलब 15 को रूफ टॉप हम लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे। रूफ टॉप पे 12,500 का रूफ टॉप कैफे है और इतना बड़ा रूफ टॉप कैफे आपको पूरे बॉम्बे में कहीं नहीं मिलेगा, वो भी प्योर वेज। हाँ, 360 डिग्री व्यू है उसका, 360 डिग्री। नो, इट्स टोटली इट्स अ कैफे, रूफ टॉप कैफे वी आर ओपनिंग। डेफिनेटली वो 360 डिग्री व्यू है, बॉम्बे में आपके पास किधर भी नहीं रहेगा, ये तो बिल्डिंग साथ में रहते हैं, ये तो 360 डिग्री के है और लॉट ऑफ नेचुरल्स दे, लॉट ऑफ नेचुरल। हम लोग स्टार्टिंग से वेज में डील कर रहे हैं, फ्रॉम 1965 वी आर डीलिंग इन वेज ओनली, तो वी आर ओनली टेक वेज प्रॉपर्टीज। वेज का यूएसपी है, वेज कस्टमर्स को क्या चाहिए, वेज यूथ को क्या चाहिए, वेज सीनियर सिटीजन को क्या चाहिए, उनको उनके ऊपर पूरा रिसर्च किया हुआ है। वही है, प्योरली वेज का कॉन्सेप्ट वही है। खाना खाओगे तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा। अभी हम शादी भी, आपका शादी भी है, लोगों के खाने में हमारे ओनली वेज से हम लोग को भी कर लेते हैं, वो भी नॉन वेज का। आपको हमारी जो टीम है, अभिषेक, डीजे अभिषेक और राजीव, डीजे राज, राज एंड अभिषेक, ये भी अपने एक भाई है, हमारे आज के सुपरस्टार है राज, प्लीज कम। और डीजे राज, दो बाइट्स, आपका एक्सपीरियंस क्या था मौजा को लेके, आप दो एक्सपीरियंस बताइए। क्या हाय, सबसे फर्स्ट तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू एंटायर टीम, थैंक यू सो मच। आपने इतनी ब्यूटीफुल प्लेस बोरीवली में बनाई, क्योंकि हम पार्टी करने के लिए अंधेरी जाते हैं, बांद्रा जाते हैं, बोरीवली में आपको ऐसा लोकेशन जहां आपको पार्किंग से लेके कोई भी चीज़ खाना पीना सब होम प्लेस पे पार्टी कर सकते हो, तो ये बहुत ही बड़ी खबर है यहाँ के लोकलाइज के लिए कि इतनी ब्यूटीफुल प्लेस आपको लोकल में मिल गई है। और इतना इनके ऑर्गेनाइजेशन ने इतना सपोर्ट किया है हमें भी, और इनकी जो पूरी टीम इतनी डेडिकेटेड है, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है उनके साथ जुड़ के। तो ऑल द बेस्ट टू एंटायर टीम एंड थैंक यू सो मच के हैविंग अस। थैंक यू सो मच सर, मिस्टर अभिषेक डीजे। हाय, मैं हूँ अभिषेक, यू नो, इवन मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द मूजा ग्रुप एंड वी मेट माय फ्रेंड राज, वी आर प्लेइंग टुगेदर टुनाइट, हम लोग प्ले कर रहे हैं ऑलमोस्ट 15 इयर्स के बाद हम मिल रहे हैं, हम दोनों फिर से जो आज प्ले कर रहे हैं, वी आर प्लेइंग टुगेदर आफ्टर 15 इयर्स। इतना एक्साइटमेंट है जगह के लिए, इवन प्योर वॉइस होने की वजह से हमारे काफ़ी अच्छे बाकी भी क्लाइंट्स आ पाएंगे, म्यूजिक एंजॉय कर पाएंगे। वी हैव इंस्टॉल ऑल द हाई टेक्नोलॉजी, ऑल गुड साउंड, गुड लाइट्स, एवरीथिंग। बस यही लोगों से दरख्वास्त है, प्लीज़ कम एंड एंजॉय एट द वाइब। थैंक यू द मेहुल सर, ही हैज ऑर्गेनाइज एवरीथिंग वेरी नाइसली, थैंक यू मेहुल। मुंबई के हमारे सबसे नंबर वन, जो हमारी सारी प्रमोशन, मार्केटिंग, प्लानिंग, सारी चीज़ों में नंबर वन। एंड अगेन थैंक यू सो मच। या अगेन मेन थिंग, वेरी वेरी थैंक यू टू द मूजा ग्रुप फॉर ट्रस्टिंग अस एंड गेटिंग अस टुडे। थैंक यू सर। डी जे अभिषेक फॉर यू सर, अपने साथ अभी एक साल से सर का ये है, आपका जो एक्सपीरियंस कैसे था मोजा का सर, तो जो आपका एक्सेलेंट फूड, एक्सेलेंट हॉस्पिटलिटी। हमारे मोजा का एक बड़ी बात है कि यहाँ पे हमको बाउंसर्स भी नहीं लगते, ऑल फैमिली क्राउड आता है, नेवर फाइट, एवरीथिंग स्मूथली जाता है। दिस इज द बिगेस्ट थिंग कि हमारे मोजा ग्रुप का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस हमने क्रिएट किया है, एक रिलेशन जो कस्टमर को, कंज्यूमर को हम कभी ऐसा नहीं कर दिया, एक रिलेशन हमने मेंटेन करने की कोशिश की है। Should we take care of them from the time they step in till they step out? That's what we do. It's a 101 touch. That's what we give. और मेन बात, ऐसे बॉस हो और ऐसी टीम हो तो काम करने का मजा ही अलग होता है। We are very happy. बताओ सर आप। Thank you so much. Enjoy the vibe. ये शकील सर भी दो बात करें अपने मौजा के बारे में, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने जो फर्स्ट होटल बनाया था, फर्स्ट होटल अपने शकील के, इस पर हमने शुरू किया, शकील ने अपने को बना के दिया फर्स्ट होटल जो मौजा का।
वहाँ से अपने जर्नी साथ हुआ, 20 साल से अपना रिलेशन चल रहा है 20 साल से, आपका क्या एक्सपीरियंस अपने अंदर से दो बार बताइए। इंडियन नोट आपको पता है, मुझे बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी फैसिलिटी भी है और फैमिली लोगों के लिए, फैमिली वाले के लिए भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और अच्छे से लोग आते और जाते हैं। ये खालिद भाई हमारे दोस्त हैं, बहुत मेहनत करके इसको ऊपर लेके आए। थैंक यू सर। एनीथिंग मोर क्वेश्चन यू लाइक टू आस्क? टू एंड दिस कन्वर्सेशन वन सेकंड।